नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के प्रचारक के उत्तरदायित्व से लेकर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों तक हमेशा बड़ा लक्ष्य चुना। छोटी छोटी बातों को बड़े इवेंट के तौर पर प्रस्तुत करके जन भागीदारी से जोड़ा, और जब वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देश के सामने प्रस्तुत हो रहे थे, तब ये सारा कौशल एक साथ उनके काम आया। इसके लिए तो छप्पनी का सीना लगता है। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। जीवन के सेवा भाव को प्रधानमंत्री ने स्वयं सेवक रहते अपने कमरे की सफाई करके सीखा था। प्रधानमंत्री बने तो देश को पहला लक्ष्य ही स्वच्छता का दिया। बात छोटी सी थी लेकिन जन आंदोलन बन गई। उस भाषण के अंदर कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर देश में सफाई अभियान चलेगा, हम प्रत्येक कोने में सफाई करेंगे, और देश के लोगों ने भी इसको जो है सराहा है कि मोदी जी ने वास्तव में जिसके बारे में कोई नहीं सोचता सफाई के बारे में, केवल अपने घर की सफाई के बारे में सोचते हैं, पड़ोसी की सफाई के बारे में नहीं सोचते। इतना मुझे उनसे मिलकर मुझे सीखने का मौका मिला। गांव, कस्बों, देहात, आदिवासियों के बीच प्रचारक के तौर पर लंबे समय तक रहे। मुख्यमंत्री बने तो महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री बने तो कल्याणकारी योजनाओं से धुएं में डूबती आंखों के आंसू पोछे। करगिल युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी दिल्ली में पार्टी का स्टैंड मीडिया के सामने रखा करते थे। उस समय जो मन की कसक रही होगी, उसने प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी और पुलवामा के जवाब में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का हौसला दिया। आज सरहदें खुद देश के पराक्रम का बखान करती हैं। कभी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक तिरंगा लाल चौक पर फहराने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री बनकर सिर्फ 35 नहीं बल्कि पूरी धारा 370 ही उखाड़ फेंकी और पूरे कश्मीर को तिरंगे से पाट दिया। कोरोना का संक्रमण प्रधानमंत्री के जीवन की शायद सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई, लेकिन आपदा में अवसर की अवधारणा और वैज्ञानिकों पर उनके भरोसे ने दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिखा दिया। कोरोना से निपटने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी था, और जो जीवन से उन्होंने सीखा वो काम आया। जैसे गुजरात बदला, वैसे देश के नवनिर्माण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। काशी कॉरिडोर हो, अयोध्या का श्रीराम मंदिर हो या सोमनाथ सर्किट, अटल टनल हो, बोगीबिल ब्रिज हो, चिनाब ब्रिज हो या INS विक्रांत, हर मोर्चे पर देश बदल रहा है। विक्रांत, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की परंपराएं बदल चुकी है, राजपथ अब कर्तव्य पथ है।